नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में उमा भारती ने सुनाए संस्मरण, कहा मन वचन कर्म में समानता नहीं इसलिए प्रवचन छोड़ा। विदेश से आते थे टॉयलेट पेपर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को भोपाल में अपने आवास पर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संस्मरण सुनाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 1970 से 1980 तक विदेश चली गई थी, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तब मैं भारत आई भी तो सिर्फ माँ से मिलने। बाद में माँ बीमार हो गई तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि अब तुम्हें एक साल तक मेरे पास ही रहना है। 8 महीने बाद उनका निधन हो गया। मैंने प्रवचन करना छोड़ दिया था। प्रवचन छोड़ने की वजह यह भी थी कि मैं अपने प्रवचनों में जो बातें कहती थी उन पर खुद ही कायम नहीं रह पाती थी। मैं कहती थी कि क्रोध मत करो, जबकि मुझे गुस्सा बहुत आता है, भोग विलास से दूर रहो। मैं खुद ही लग्जरी गाड़ियों की शौकीन थी। मेरी हालत तो ऐसी थी कि अपने जिले में सबसे अच्छा बंगला मेरा था, मेरे कपड़े सबसे महंगे होते थे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे टॉयलेट पेपर शिप के जरिए विदेश से आते थे। मेरी उम्र 20 साल की थी लेकिन मैं टैक्स पेयर थी, मैं NRI थी। तब मुझे लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। एक विकल्प माँ ने दिया था, शादी कर लो। इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई। इसी उलझन के बाद मैंने तय किया कि मैं तो संन्यास लूंगी। उमा भारती ने अयोध्या आंदोलन के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि मैं 1985 में भारत आई थी, बाहर से चुनाव लड़ चुकी थी। मुझसे कहा गया कि आपको कुलपहाड़ यूपी की सभा को संबोधित करना है। राजमाता सिंधिया की वजह से विश्व हिंदू परिषद से मेरा जुड़ाव हो गया था। मैं छोटी थी लेकिन लोग आकर मुझसे सवाल जवाब करते थे, क्योंकि मैं शुरुआत से ही अध्यात्म से जुड़ी रही हूँ। मुझे उस समय चमत्कारी बालिका कहा जाता था। आपको लगता है कि अमेरिका बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तब हकीकत का पता चलेगा। मैं इंग्लैंड में थी लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ थी, तब मैं अमेरिका में थी लेकिन अमेरिका के खिलाफ थी। मेरा कहना था कि अगर गरीब कमजोर वर्ग की आवाज उठाए तो हम अन्याय से लड़ सकते हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व CM उमा भारती ने कहा कि भारत जोड़ो तो तब होगा जब भारत तोड़ो हो रहा होगा। राम के नाम पर पूरा भारत एक जगह है, आप तुरंत अयोध्या पहुंच जाओ। राम के नाम पर मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, राहुल जी बस वहां पहुंच जाएं। उमा भारती ने कहा कि भारत तो तब टूटा था जब कांग्रेस थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत तब टूटा था जब सिखों पर धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ था। हमने तो जोड़ा है, हमने तो 370 हटाया है, कश्मीर को भारत के साथ जोड़ लिया है। कश्मीर टूटा तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसलिए अगर वास्तव में भारत जोड़ना है तो राहुल गांधी को मणिपुर नहीं पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK जाना चाहिए। उस कश्मीर को भारत से जोड़ो, वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो मणिपुर पहुंच गए हैं, इसलिए या तो पाक अधिकृत कश्मीर से यात्रा शुरू करो या अयोध्या जी पहुंच जाओ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।